यहाँ पर बैटरी 10% थी, लेकिन अचानक से ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अंदर जाती हुई दिख रही होगी, ये देखिए। तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, जिस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज मुझे फाइनली आईफोन 6s का डिलीवरी मिल गया है, और इसके डिलीवरी में 4 दिन का टाइम लगा है। और ये देख सकते हैं, कुछ बॉक्स पैकेजिंग इस तरह की है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसका प्राइस मेंशन है 7249, और वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको 7500 समथिंग मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक कूपन कोड का यूज़ किया है, जिसमें मुझे 250 रुपी का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया है। ये लेकिन प्रीपेड ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल है। और ये मैंने गोल्ड कलर 16 GB फ्लॉलेस कंडीशन में ऑर्डर किया है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की हमें क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बॉक्स कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यहाँ पर एक सील लगी हुई है, यहाँ पर हमारा हैंडसेट, यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन, और इस बार देख सकते हैं मोबाइल गो का पावर अडेप्टर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक कंपेटिबल पावर अडेप्टर है। और यहाँ पर आप इसकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का हमें लाइटनिंग केबल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये भी एक कंपेटिबल लाइटनिंग केबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हैंडसेट, और इसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा। यहाँ पर एप्पल जो लोगो है उस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो हमारा इम्पोर्टेंट वो है कैमरा लेंस, तो कैमरा लेंस को देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ निशान लगे हुए हैं, मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। और अब देख पा रहे होंगे आप, कैमरा लेंस काफ़ी अच्छे से क्लीन है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैमरे लेंस के अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे तो आप जब भी कैमरा सैंपल्स लेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और बैक से कुछ इस तरह से फ्लॉलेस कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ पर बैक में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। और अगर हम बॉटम में जाते हैं तो बॉटम में देख सकते हैं यहाँ पर एक डेंट लगा हुआ है। और अगर इसके स्पीकर ग्रिल्स को देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी डस्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो इसका चार्जिंग जैक है वो भी अंदर से काफ़ी गंदा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर इसका 3.5 जैक देख सकते हैं, ये भी यूज्ड, काफ़ी यूज्ड कंडीशन में लग रहा है। और यहाँ पर भी एक डेंट देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर इस तरफ भी डेंट है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे डेंट आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। फ्लॉलेस कंडीशन में इतने सारे डेंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और इस तरफ से तो काफ़ी क्लीन है। और फ्रंट पर स्क्रैच देखने के लिए मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ, ताकि स्क्रैच या फिर डेंट विजिबल हो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि डिस्प्ले पर कोई स्क्रैच ना हो, भले ही थोड़ा बहुत डेंट तो चल जाएगा, क्योंकि हम वैसे भी बैक कवर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो फ़ोन यहाँ पर ऑन हो गया है, और मैं इसको क्विकली सेटअप कर लेता हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी कुछ इस तरह से है। और सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग के अंदर और देखते हैं कि क्या बैटरी हेल्थ हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी 87% हमें देखने के लिए मिल रही है। और अबाउट सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट बूट के बाद यहाँ पर हमें अवेलेबल स्पेस 11.61 GB देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर M से स्टार्ट है, और इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, अगर मॉडल M से स्टार्ट होता तो उसका क्या रीज़न होता है। और LL/A जो रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटरनेशनल यूनिट है। और यहाँ पर एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम 15.7 में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले ब्राइटनेस फुल किया हुआ मैंने, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की डिस्प्ले क्वालिटी है। तो अगर आपको यहाँ इस तरह से दिखाता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ डार्क स्पॉट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं स्क्रीन को इस तरह से मूव करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, अब इस तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर वाइट, फिर यहाँ पर काफ़ी डार्क, और फिर यहाँ पर वाइट, और यहाँ से भी हल्का सा डार्क देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हम इसके बटन्स चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम प्लस, ये रिंगर वॉल्यूम, ये पावर बटन, और यहाँ पर टच आईडी, ये भी प्रॉपर वर्किंग है।
और यहाँ पर हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं और मैं इन ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पावर अडेप्टर की फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन बंद हो गया है, पहले मैं उसको चार्ज कर लेता हूँ और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी 10% थी लेकिन अचानक से ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो हो सकता है कि इसके अंदर बैटरी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है और ये हम आगे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको चार्जिंग में कनेक्ट किया तो ये बहुत आराम से निकल जा रहा है। ये देखिए, बहुत हल्का सा मैं फोर्स लगाता हूँ और ये इसका चार्जिंग जैक बाहर निकल जाता है। तो ये बार बार चार्जिंग डिटेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने, जैसा कि आपको बताया, कि इसका चार्जिंग जैक अंदर से गंदा है और मैं अगर इसके अंदर से डस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। ये देखिए इस तरह का, और भी काफ़ी डस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ तो अब देख रहे होंगे आप जो चार्जिंग पिन है वो अब प्रॉपर इसके अंदर फिक्स हो पा रही है। ये देखिए, तो मैं इसके कुछ और भी कैमरा सैंपल्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बॉक्स का फ़ोटो ले लेते हैं एक, और यहाँ पर फ्रंट कैमरे का फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ पर रियर कैमरे का फ़ोटो, और मैं जूम करके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के साथ फ़ोटो कंपेयर कर सकते हैं। काफ़ी जूम किया है मैंने लेकिन यहाँ पर पिक्सल्स फट नहीं रहे। और ये जो हमने बॉक्स का फ़ोटो लिया था तो यहाँ पर भी मैं फुल जूम कर रहा हूँ लेकिन टेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर और विजिबल है। और ये फ्रंट कैमरे का फ़ोटो, तो यहाँ पर आप मेरे माथे के पास देख रहे होंगे काफ़ी वाइट यहाँ पर लाइट का फ्लेयर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन तो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो ये मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इतना वाइट नहीं आता है। और कुछ इस तरह का फ्रंट कैमरे का सैंपल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है लेकिन ऊपर फेस पर काफ़ी ज़्यादा इसने वाइट एक्सपोजर लिया है। और यहाँ पर मैं जियो का ही इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं जियो LTE यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर मोबाइल का इंटरनेट जो है वो प्रॉपर वर्किंग है। और यहाँ पर साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, मैं वॉल्यूम फुल कर लेता हूँ। तो साउंड क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है। और फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले में मुझे यहाँ पर ना एक, ये देखिए डिस्प्ले को अगर मैं इस तरह से प्रेस करता हूँ तो ये डिस्प्ले यहाँ पर आपको अंदर जाती हुई दिख रही होगी। ये देखिए, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये डिस्प्ले चेंज करी गई है और ज़ाहिर है कि ओरिजिनल डिस्प्ले तो नहीं होगी ये। इस तरह से देखिए, और अगर मैं कॉर्नर से प्रेस करके देखता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह कुछ स्क्रीन अंदर से प्रेस होती है इस तरह से दबाने पर। ये देखिए, बाकी जगह से नहीं होती लेकिन इस तरफ प्रेस करने पर यहाँ डिस्प्ले में आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर भी हम एक कॉलिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिम सपोर्ट कर पा रहा है। फ्रेंड्स, इसके इनवॉइस बिल से मैंने इसका सीरियल नंबर मैच किया है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 के बाद 66 और यहाँ पर 7 के बाद 3x6 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक सीरियल नंबर तो गलत है। और ये चेक करने के लिए मैंने checkcoverage.apple.com का ऑफिशियल पेज ओपन किया और देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर करने के बाद मुझे ये वैलिड परचेज डेट शो कर रहा है। यहाँ पर हम 3 टूल का रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ये IMEI नंबर यहाँ पर प्रॉपर मैच कर रहा है और देख सकते हैं iPhone 6X 16GB रोज गोल्ड कलर, और यहाँ पर 32% चार्जिंग, और यहाँ पर भी 32% चार्जिंग शो कर रहा है। लेकिन अजीब बात है कि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप iPhone 8 देखने के लिए मिल रहा है और 3 टूल के अंदर मॉडल नंबर करेक्ट शो कर रहा है और इसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर करेक्ट है। और बैटरी लाइफ यहाँ पर 87% और फोन के अंदर भी 87% और चार्ज टाइम 465 टाइम्स और इसका सेल रीजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वेरिफिकेशन रिपोर्ट में एक्स फैक्ट्री वैल्यू और रीड वैल्यू अगर सिमिलर होती है तो ये टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल शो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आईफोन की वैल्यूज को रीप्रोग्राम किया जा सकता है रिपेयरिंग के टाइम पर। और इसका प्रोडक्शन डेट देखेंगे तो 2016/6/26 जो लगभग 5 से 6 साल पुराना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे मोबाइल को यूज़ करते हुए 1 से 2 दिन हो जाएंगे और टेस्टिंग के अंदर मुझे 2 मेजर प्रॉब्लम मिली हैं। पहला प्रॉब्लम है इसका बैटरी बैकअप और दूसरा है इसका कैमरा। मैं यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो मैंने फ्रंट कैमरे से लिए हैं। तो रियर कैमरे के फोटोज़ तो आपने देख लिए होंगे, वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रंट कैमरे से फ़ोटो लेने पर यहाँ पर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, पूरा ये वाइट कर देता है बैकग्राउंड से। जैसे मैं यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए
यहाँ पर भी इसने बैकग्राउंड में बिल्कुल वाइट किया हुआ है, जबकि पीछे एक बिल्डिंग है। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को दो बार लिया है तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। एक फ़ोटो का बैकग्राउंड काफ़ी ठीक है, लेकिन दूसरे फोटो का जो बैकग्राउंड है उसमें वाइट एक्सपोजर देखने के लिए मिल रहा है। और इस फोटो में भी बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो पीछे का बिल्डिंग है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा वाइट एक्सपोजर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इस कैमरे में कुछ ना कुछ इश्यूज़ शो करता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया बैटरी बैकअप, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, 6:01 हो गए हैं, 100% फुल चार्ज है। मैं इसको निकाल देता हूँ, अब आप टाइम पर ध्यान दीजिएगा और मैं यहाँ पर BGMI को प्ले करता हूँ। और गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्राफिक स्मूथ और फ्रेम रेट हाई पर सेलेक्ट किया हुआ है, और HD में भी हमें स्मूथ हाई फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन HDR ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं स्मूथ हाई पर ही गेम प्ले करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ग्राफिक क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। लैग तो नहीं करता है, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो उसका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मैं गेम को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ मेंटेन रहे, और फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ। और यहाँ पर गेम कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बैटरी परसेंटेज ड्रेन हुआ है। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 6:01 पे हमने स्टार्ट किया था 100% से, और यहाँ पर 76% तक बैटरी ड्रेन हो गया है। तो सच में फ्रेंड्स, ये अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन मैंने देखा अभी तक जितने मैंने फ़ोन को रिव्यू किया है। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर 24% बैटरी ड्रेन हो गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके लिए भी मैंने मोबाइल गो के व्हाट्सएप नंबर पर ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिया है। यहाँ पर मैंने दो वीडियो शेयर किए हैं जो मैंने टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किए थे, और यहाँ पर उनका ये रिस्पॉन्स मिला है। तो देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आएगा। जो भी अपडेट आएगा वो मैं अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा। और जो वीडियो मैंने शेयर किए थे इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से बैटरी परसेंटेज ड्रेन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9:31 टाइम हो रहा है, और ये मैंने टाइम लैप्स में वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो देख सकते हैं 51% यहाँ पर बैटरी है, और जस्ट मैं नॉर्मल ऐसे ही एप्लीकेशंस को ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कोई हैवी एप्लीकेशन भी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट रहता है। तो जैसा आपने देखा 51 से 47 तक बैटरी आ गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मोबाइल गो के पॉलिसीज़ का एक क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न आता है मोबाइल को परचेज करने से पहले, या फिर आप मेरा आफ्टर सेल सपोर्ट एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।